Hey guys, welcome back to our channel Aryan RJ। तो कैसे आप लोग, मैं चाहूँ उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मम्मी भी बहुत अच्छी है। आज मम्मी देने वाली पुताओं को एक गोदरेज, जो अभी हम लोग लाने जा रहे हैं। गोदरेज से आए को बक्सा। बक्सा भी दे रहे? हाँ। इतना ज्यादा नहीं मानी होगा? ना मानो। ऐसा मत करिए प्लीज। ना मानो, ये गलत बात है कि नहीं गाइस? बक्सा हम बेटी वास्ते ले हुए, पुता वास्ते अलमारी। बेटी के वास्ते क्यों? बक्सा। अच्छा। हाँ, आप पुतो बात अलमारी। पुतो को अलमारी दे रही है, बेटी को बक्सा। हाँ। और हमको कुछ नक्शा ही दे दीजिए। नक्शा था कि नक्शा? थोड़ा ठीक है, साज के बिस्कुट खिले। बिस्कुट खाएंगे, पार लीजिए। हाँ, तो गाइस अभी जा रहे लाने के लिए, तो चलिए। और बहुत दिन से बोल रही थी चांदनी मम्मी को ये वो, तो शादी के बाद तो एक गोदरेज तो चाहिए ना। कोई भी किसी को भी जो पत्नी बनती है उसको, मतलब हर लड़की को ये चीज़ चाहिए। तो बहुत दिन हो गया था, दिल्ली गया था, उधर रहा था, चलो चलता है। बट अभी घर आने के बाद कपड़ा वगैरह रखने में, उसका जो भी सामान है वो सब रखने में, तो मम्मी का अनिवार्य में नहीं हो पाता है। तो मैं सोच रहा था कि एक पर्सनल उसको गोदरेज दिया जाए, और वही अभी लाने के लिए जा रहे हैं। तो उसका रिएक्शन क्या होने वाला है, तो चलिए अभी जाते हैं। मम्मी और हम जा रहे हैं मार्केटिंग करने, पास में ये दुकान तो घर के बाजू में ही है, ले लेंगे। चलिए मम्मी आ जाइए। बेस्ट कौन रहेगा, ये या ये? यही अच्छा। ये इसके अंदर भी है। सही है, घर के बाजू में है, सामने ही है, तो सोचा यहीं से परचेज किया जाए, है ना। काफी दिन से बोल भी रहे थे और कल ही लेने वाले थे, बट ठीक है। कितना दिया अगर? यही ले ले कर आ दे, खाली है ना। और नहीं, ये तो खोले आप लोग कमेंट करके बताना कि ये कैसा दिख रहा है। वैसे मम्मी को पसंद आया और चांदी को भी। तो चांदी के लिए है, बस साल का है वो, ठीक है ठीक है। ये वो लगा है ना, वो लीला बिन की है ना, वो लगा बीच ने, वो लगा बहुत पसंद। बक्सा कौन लेवे? बक्सा ये देखिए बड़ा। पापा का किन क्या रख दे तो कनिया? कनिया काम लगते घनिया उठा लिए हैं, इसके तो मत। हां तो बैठ कर तो ये भाभी इतने बियाना दे के कुछ और के 5000 का। हां हां दे देगा कुछ कम वैसे लगाइए, एक ना कह दईयो ये जने के जने ले बात छिन लक कर लीजिए। गुराइयल उस तरह उठा के Thank you.
इधर है सर, घुरा सर इधर आओ। फाइनली ला दिया यार, रोज रोती हम बुलाते हैं, क्या बताऊं मैं। आइयो, गोदरेज चाहिए, गोदरेज चाहिए, गोदरेज चाहिए, ले ओ। हेलो यार, आइए आइए आइए। लम्बा रह जा भाई, ये सब तो करना ही पड़ेगा आर्यन, है ना। शादी की हो, फूल जैसे तो कांटा जैसा चुभेगा ना, तो लेके आते हैं उसको। ये का कर ताड़ू, साड़ी पहन रही है, तैयार होकर ताड़ी, रुक जाए कुछ देर, रव रव लोग तैयार होती तब ना। अब इसका ये टेंशन है कि अभी घर नहीं बना, लगाएंगे इसको कहाँ पे, है ना। ठीक है ना मम्मी, ठीक है ना, ठीक है सर। आओ यार, जिद तो हो ठीक है। हां हां ठीक है रे, बड़ी वो जिद्दी करब कर ले। अरे बहुत भाई बहुत, हम लिया इधर लिया इधर लिया इधर लिए ना, तब मिल के मेरा बेटी सिंगार के गया सब कुत्ता। अब जो ये वाला खोल दो, ये लहा ले। हां ये वाला खोल दो, तालिन आ गया, ये तालिन। अच्छा अच्छा, वैसे उस घर में हम लोग का जो अनवारी हम लोग सोच रहे थे उसमें डिजाइनिंग करवाएंगे अच्छे से अनवारी। फिलहाल ये भी ले लिए, ये यूज करेगी अभी, उसके बाद उसमें भी हम लोग जब घर बनेगा अच्छे से तो उसमें भी डिजाइनिंग करवा देंगे। और घर अभी बन तो जाए भाई, उसमें बहुत कुछ सोच रहे अभी हम लोग। तो पहले घर अभी बांधते है ना, पूरा फिनिश होता है ना, तो सब कुछ सामान जे जे सोचब करिए से सब पूरा भगवान करे वाला है। ऐसी कहिए मगर पता हुआ जे है ना, जे जे खोजे से सब पूरा कर देते बेटवा हमर आर्यन। ठीक है, आओ दिखाऊं। या देख देख देख, खोल दे, हेलो देख, खोल दे, चलो लगा दो मम्मी, पहले लगाइए। चलो 1 2 3 देख ले क्यों, और बोलेगी नहीं, मम्मी को थैंक यू बोलो, मम्मी ही बोली तब डाले गए। ठीक है, अब खोल के देख तो अपन। इतना ज्यादा साइड होल्ड के तोड़ मत देना, ठीक है। देख रहे हो कितना ज्यादा खुश है। ठीक हो, जिससे मैं अपेक्षा करता हूँ वो भी देख रहे होंगे, तो देख लीजिए। अच्छा हो, मैं सोच रहा था घर बन जाएगा तो अच्छा जैसा गोदरेज लूंगा, बट नहीं, अभी कहीं जाना नहीं पड़ा। सबसे अच्छा हुआ कि घर के सामने ही मिल गया, और चलो ये हैप्पी है तो और क्या चाहिए, है ना मम्मी। हो गया हो गया हो गया, बस मस्त गोदरी, थैंक यू सो मच, वेलकम वेलकम। तो गाइस देख लिया आप लोगों को कैसा लगा ये गोदरेज, और चांदनी हैप्पी है तो और क्या चाहिए भाई साहब। और गाइस आप लोगों को पता भी है, हम लोग एक बक्सा भी खरीदे हैं, बहन का शादी बहुत ही नजदीक आने वाला है, बहुत जल्दी शादी होने वाला है उसका,
तो मम्मी उसका भी तैयारी में लग चुके हैं, हम लोग पूरा घर वाले लग चुके हैं, सब कुछ हो गया बुक। और हम लोग क्या बोलता है उसको, टेंट वेंट जो भी होता है उस सबको बयाना दे दिए हैं, और क्या कैमरामैन को बयाना दे दिए हैं, और टेंट वाले को बयाना दे दिया, डीजे वालों को बयाना दे दिया है ना मम्मी। हाँ, अब बचा है कार्ड बनवाना। तो एक दिन जाऊंगा मैं जम्मू, उधर कार्ड बनवाएंगे, कार्ड बनाए और आप लोग को भी आमंत्रण करेंगे, तो क्या आप लोग आओगे बता देना कमेंट सेक्शन में। और बहन का शादी है, आ जाओ और खुशियां बांटेंगे सब लोग साथ मिल के, है ना। कोई नहीं, यहाँ पे ऊंचा नीचे है थोड़ा सा, देख लेना आपको इसमें बैठा देंगे, ठीक है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये ब्लॉग, इसमें आप आठ जाइएगा आराम से, आठ तो भाभी आठ आए थे, अरे जाइए तो डुके उस पे बैठेंगे, ना ना टूट जाएगा क्या। अब तुम भी एकदम अलग रखेगी सामान ना, मम्मी अलग रखेगी ना, इसी में रखती तुम खुश हो ना, तुम खुश हो ना, अब खुश हो ना, चार पांच दस दिन से रोज रोज ला दीजिए, रोते रहते थे यार। हाँ, ये कोई मतलब हुआ भाई साहब, सब कुछ मुझे अभी पूरा करना पड़ रहा है, कुछ भी चीज मुझे ही पूरा करना पड़ रहा है, समझ रहे हो आप लोग। तो भाई अगर लव मैरिज करते हो थोड़ा दिमाग से करना, मेरे पास तो नहीं था, क्या करे मैं लुटपुट गया, वही सीन हो गया। ए और गाइस इसका क्लासेस भी चलने वाला, अब आके ये पढ़ाई वढ़ाई करेगी जाके कोलकाता, सरस्वती पूजा के बाद इसको भेज देंगे और जाके अपना पढ़ाई वढ़ाई करेगी, और मैं भी कुछ काम धंधा करूँगा, और दो चार कोर्स बचा हुआ मेरा भी, वो भी कंप्लीट करना है। तो आप लोग का आशीर्वाद रहा तो करेंगे मस्त से। और चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, और स्पेशली ये चांदनी का सॉरी गोदरेज कैसा लगा। बाय, आज के लिए इतना ही।